हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूएई T10 बुख्तार लीग की जो सीरीज चल रही है, इसके चौथे और आज के दिन के दूसरे मैच के बारे में। यह मैच खेला जाएगा V11 वर्सेस यूएई किंग्स 11 के बीच। मैच की टाइमिंग है 12 बजे स्टार्ट होएगा इंडियन टाइमिंग के अनुसार। डेट 14 मई 2024 आज ही की है। वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है, बारिश के कोई भी चांस नहीं है। वेन्यू देखें तो शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा में मैच खेले जा रहा है, तो आज का इसी वेन्यू पर है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो बैटर को मदद देने वाली पिच है और बैटर को अच्छा लगता है यहाँ पे खेलना, ठीक है। एवरेज स्कोर देखें तो 100 से लेके 110 का बनता है। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो 2 मैच हो चुके हैं इस वेन्यू पर, जिसमें से दोनों के दोनों मैच चेजिंग करने वाली टीम ने बड़ी आसानी से जीते थे, 9 विकेट से जीते थे दोनों ही मैच, ठीक है। तो यानी चेजिंग करने वाली टीम को यहाँ पर एडवांटेज है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि आपको दोनों टीमों के बारे में सही से जानकारी हो जाए। पहली जो टीम है यूएई किंग्स 11, यह बहुत मजबूत टीम है और अच्छे खासे प्लेयर है। वहीं दूसरी तरफ आप प्लेयर देखोगे तो बिल्कुल 2-3 प्लेयर ऐसे खास है जिनको अपन ट्राई कर सकते हैं, बाकी खास प्लेयर नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें सभी के सभी समझ लो जितना भी स्क्वाड है पूरे मैन प्लेयरों से भरा हुआ है, यूएई के प्लेयरों से भरा हुआ है, ठीक है। इसलिए वीडियो का आप पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि दोनों टीमों के बारे में सही से जानकारी होगी। यूएई किंग्स के फेवर में आपको टीम बनानी है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी इसी के रखने, ज़्यादा प्लेयर इसी टीम के लेने हैं, ठीक है। साथ ही हमारे चैनल को भी जरूरी है आपके लिए, ठीक है। जैसे विनिंग करना जरूरी होता है वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है ताकि आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जावे, ठीक है। और इस टूर्नामेंट के अलावा आपके लिए क्या नाम है, दिन की जो T10 सीरीज चल रही है इसको भी हम कवर करते हैं एस्टोनिया की। इसके अलावा जो आज नाइट में भी एक T10 की स्टार्ट हो रही है पुर्तगाल की सीरीज, तो उसको भी हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चैनल्स के साथ जुड़ने से आपको 3-4 सीरीज में फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। पहले बात करते हैं अपन इस मैच की, तो यूएई किंग्स 11 की बात करते हैं। सभी प्लेयरों के स्टैट्स लेके आए हम T10 के, तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें, ठीक है। और जो भी रिकॉर्ड है ये पिछले 2 सालों के, ओवरऑल रिकॉर्ड नहीं है, 2 सालों के रिकॉर्ड है, ठीक है। पहले बात करते हैं शाहरुख शेख, जिसने T10 में 9 मैच में 247 रन बनाए 27 के एवरेज से, 3 ओवरों की गेंदबाजी कराई है, 2 विकेट लिए। एक अच्छा प्लेयर है और आपकी सभी टीमों में होना चाहिए क्योंकि अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है। सलेक्शन भी देखोगे तो 3% इसका सलेक्शन है। उसके बाद है फहद नवाज, जिसने 24 T10 के मैच में 181 रन बनाए 8 की एवरेज से, 3 ओवरों की गेंदबाजी कराई, 3 विकेट लिए। बहुत धीमी स्ट्राइक रेट से खेलता है और इस चक्कर में आउट हो जाता है, विकेट बचाने के चक्कर में आउट हो जाता है। सलेक्शन देखोगे 93% इसका सलेक्शन है, ठीक है। लेकिन मैं इसको बोल रहा हूँ, इसको आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है एहसान सराफू, जिसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, यूएई की इंटरनेशनल टीम तक खेल चुका है ये, ठीक है। 31 मैच में 665 रन बनाए 21 के एवरेज से, 24 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 6 विकेट लिए। ये 2023-24 यानी 2 सालों का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी का इस मैच में जबरदस्त चॉइस है, ठीक है। अगर टीम पहले बैटिंग करती है तो आप आंख बंद करके कैप्टन बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद खालिद शाह, यह भी एक जबरदस्त ऑप्शन है। 43 मैच में 788 रन बनाए 18 की एवरेज से, 4 ओवरों की गेंदबाजी कराई, 2 विकेट लिए। बढ़िया बैटिंग कर सकता है और इम्पोर्टेंट प्लेयर साबित होगा, ठीक है। खेलेगा तो ठीक है, आपको देखने को मिलेगा खालिद शाह, 7% इसका सिलेक्शन है। नंबर 3 से 4 के बीच बैटिंग करता है, इम्पोर्टेंट प्लेयर साबित होगा अगर खेलेगा तो, ठीक है। क्योंकि स्क्वाड बड़ा है तो कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद है अब्दुल्ला अजहर, 5 मैच में 18 रन है, इसने भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करी है और इसका सिलेक्शन भी देखते हैं तो 10% इसका सिलेक्शन है, ठीक है। इसके बाद है अरियान शर्मा, जिसने 26 T20 के मैच में 770 रन बनाया लगभग 29 की एवरेज से, तो अगर विकेट कीपिंग सेक्शन से इस प्लेयर को आप ट्राई कर सकते हो। सिलेक्शन देखोगे तो 5%, क्योंकि बैटिंग भी अच्छी करता है साथ ही विकेट कीपिंग के पॉइंट भी आपको देगा, खेलेगा तो आप इसके साथ जा सकते हो। उसके बाद है जेहूर खान, जिसने 10 मैच में 16 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 6 विकेट लिए, खेलेगा तो कंपलसरी 2 ओवरों की गेंदबाजी करवाएगा। उसके बाद है पब्रजा, जिसने 11 T10 के मैच में 15 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 6 विकेट लिए, बॉलिंग अच्छी करवाता है लेकिन बॉलिंग थोड़ी कम मिलती है, ठीक है। इसके बाद है रेहान खान, 8 मैच में 14 की एवरेज से 116 रन तो बनाए इसने, साथ ही 13 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 8 विकेट लिए, ठीक है। तो खेलेगा तो कंफर्म 2 ओवरों की गेंदबाजी देगा। और सिलेक्शन देखोगे रेहान खान का तो सिलेक्शन अपने को देखने को मिलेगा 89%, क्योंकि एक बढ़िया गेंदबाज है। इसके बाद है मोहम्मद नाइम, 7 T20 के मैच में 53 रन बनाए 18 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 6 विकेट लिए, बॉलिंग कम करवाता है इसलिए अपन इसको ट्राई नहीं करेंगे। सिलेक्शन देखोगे तो 92% सिलेक्शन है, ठीक है। लेकिन रिकॉर्ड आपके सामने है, लगभग 7 मैच में 18 ओवर, यानी हर मैच में लगभग 3 के करीब ओवर डाले, लेकिन अपन इसको ट्राई नहीं करेंगे T10 में, ठीक है, क्योंकि विकेट कम मिलते हैं इसको।
इसके बाद है लाहिरू सुंदरवान, जिसका सलेक्शन भी खूब हाई है, 90% सलेक्शन है, 31 मैच में 87 रन बनाए, 25 ओवर की गेंदबाजी करी, 12 विकेट लिया, यानी लगभग एक ओवर भी नहीं डाल रहा है मैच में, पर मैच में, ठीक है, T10 में, इसलिए अपन इसको ट्राई नहीं करेंगे। इसके बाद है उस्मान मुसाद, जिसने 25 T20 मैच खेले, 515 रन बनाए, 20 की एवरेज से 21 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 6 विकेट लिए, बॉलिंग बहुत रियर करवाता है, बैटिंग ठीक ठाक कर सकता है, ठीक है। इसके बाद है जुनेद जियावो, जो विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेगा, 13 मैच में 295 रन बनाए, 22 की एवरेज से T20 में। इसके बाद है थरेंडू परेरा, जिसने 4 मैच में 29 रन बनाए, 10 ओवरों की गेंदबाजी करिए, 4 विकेट लिए T20 में। इसके बाद है जफर चौधरी, जिसने 3 T10 के मैच में 3 ओवर की गेंदबाजी कराई, विकेट लेस। उसके बाद है ताहिर जमान, 7 मैच में 21 ओवर 7 विकेट, यह एक अच्छा प्लेयर है, खेलेगा तो आप इसके साथ जा सकते हो, और सलेक्शन भी देखोगे तो 76% इसका सलेक्शन है। उसके बाद है मोहम्मद इरफान, जिसने 3 T20 के मैच में 8 ओवर की गेंदबाजी कराई, 3 विकेट लिए। उसके बाद है नियामुर रहमान, जिसने 3 T20 के मैच में 4 ओवर 0 विकेट। इसके बाद है सफीरुल रहमान, 1 मैच में 2 ओवर 0 विकेट। इसके एक लास्ट प्लेयर बचा इस टीम का, आमिर खान, जिसका हमको रिकॉर्ड नहीं मिला, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है सभी को ट्राई कर लिया, अब जो जो खेलेंगे उसके हिसाब से टीम बनेगी। फिलहाल के लिए अपन यहाँ से एक प्लेयर ले लेते, विकेट कीपर ले लिया अपन ने एक, तो यहाँ से ले लेते मोहम्मद नाइम, क्योंकि बॉलिंग थोड़ी ठीक कराता है लाहिरू के मुकाबले, और एक लेंगे अपन यहाँ से खालिद शाह को, ठीक है। इसके अलावा ये तो खाली डेमो टीम है वैसे भी, ठीक है, फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम जहीर खान, ये भी एक अच्छा प्लेयर है, UAE के लिए इंटरनेशनल प्लेयर, प्लेइंग 11 में खेल चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अच्छी गेंदबाजी करवाता है स्टार्टिंग में, ठीक है। बात करते हैं दूसरी टीम V11 की, जिनके ज़्यादातर प्लेयरों के रिकॉर्ड T10 के नहीं है, बहुत कम प्लेयरों के T20 के रिकॉर्ड हम लेके आए, ठीक है, जो भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि क्रिकेट बहुत कम प्लेयरों ने कंटिन्यू खेला है अभी, ठीक है, हालिया फॉर्म में। पहला प्लेयर है मैरविज जलजाई, जिसने T10 खेला है, 3 मैच में 6 ओवर की गेंदबाजी कराई है, 1 विकेट लिया है, खेलेगा तो आपको गेंदबाजी करवा के दे सकता है, ठीक है। और इसका सलेक्शन देखें तो सलेक्शन देखने को मिलेगा मात्र 1%, एक अच्छा प्लेयर है, ठीक है। इसके बाद है वैभव स्याही, जिसने 6 मैच में 103 रन बनाए, 17 की एवरेज से, तो एक अच्छा प्लेयर है, और अपन इसको सेलेक्ट करेंगे, सलेक्शन भी देखें तो 27% है। दूसरे विकेट कीपर को यहाँ से अपन निकाल देते हैं, क्योंकि बैटिंग आने के चांस कम है उस विकेट कीपर के, ठीक है, इसलिए अपन इसका विकेट कीपर वैभव स्याही लेंगे। इसके बाद है MD एहसान, जिसने T20 में 3 मैच खेले, 36 रन बनाए। इसके बाद है सलमान साइद, यह भी एक बढ़िया प्लेयर है, विकेट कीपिंग के पॉइंट भी देगा, साथ ही अच्छी खासी बैटिंग करके देगा, सलेक्शन 87% है। रिकॉर्ड देखे तो 3 T10 के मैच में 51 रन बनाए, T20 में देखे तो 34 मैच में 1015 रन 29 की एवरेज से बनाया, तो दोनों जगह शानदार रिकॉर्ड है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद है फौजी फारूकी, जिसने 3 मैच में 16 रन बनाए, 8 ओवर की गेंदबाजी करी, विकेट लेस गया। इसके बाद है हसनैन अहमद, 3 मैच में 82 रन 27 की एवरेज से, अगर पहले बैटिंग करेगी इसकी टीम तो अपन इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। और सलेक्शन भी देखें हसनैन अहमद का, तो सलेक्शन भी 87% है, एक अच्छा प्लेयर साबित हो सकता है। उसके बाद है मिथुन दक्कन, जिसने 3 मैच में 40 रन बनाए। इसके बाद है तरुण भावत, 3 मैच में 10 ओवर 5 विकेट, एक अच्छा बॉलर है और आपके लिए एक अच्छा पिक साबित हो सकता है तरुण भावत। सलेक्शन देखें तो इसका सलेक्शन है 87%, ठीक है। इसके बाद है रितेश पुजारी, जिसने 2 मैच में 5 रन बनाए, 1 ओवर की गेंदबाजी करी, 0 विकेट लिए T10 में। उसके बाद है रियान डिसूजा, जिसने 2 मैच में 5 ओवर की गेंदबाजी करवाई है, 0 विकेट लिए T20 में। इसके बाद है अंश मलिक, जिसने 2 T20 के मैच में 11 रन बनाए। इसके बाद है वेल्सन गजभीव, जिसने 2 मैच में 26 रन बनाए T20 में। इसके बाद है जैबरन जाइब, जिसने 3 T20 के मैच खेले, 9 ओवरों की गेंदबाजी कराई है, विकेट लेस गया है, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद है तरुण कुमार, जिसने 2 मैच में 1 रन। इसके बाद है लक्ष्मण मांजरेकर, और बाकी के जो प्लेयर हैं इनके रिकॉर्ड कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको इस मैच में टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है कि दूसरे टीम में कौन कौन प्लेयर खेलेंगे उसके मुताबिक अपन कम प्लेयर लेंगे दूसरी टीम के, ठीक है, V11 के। लेकिन पहली टीम में भी दिक्कत की बात है, क्योंकि खूब भी बड़ा स्क्वाड है, कौन कौन खेलेगा तो कौन कौन बॉलिंग करवाएगा, इसीलिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है, ताकि इस मैच से रिलेटेड सारी जानकारी, प्लेइंग 11, टॉस अपडेट और जो हमारी फाइनल टीम होगी वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना जरूरी है, ठीक है। बात करते हैं टीम की, तो जो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है सभी को ट्राई कर लिया है अपन ने। कैप्टन की बात करें तो इस मैच में कैप्टनसी का सबसे बढ़िया चॉइस है एहसान सराफू, ठीक है। वाइस कैप्टन यहाँ से अपन सलमान साइद को देंगे, क्योंकि बढ़िया बल्लेबाजी करता है और इस टीम का एक मेन प्लेयर साबित होगा, ठीक है। इसके अलावा आप राहिर खान के साथ भी जा सकते हो, फिलहाल के लिए अपन सलमान साइद को ही बनाएंगे, एक अच्छा प्लेयर है। और जिया खाली डेमो टीम है, फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाए। इसके अलावा
T10 की दो और सीरीज कवर कर रहे हैं, उसमें भी आपको अच्छी खासी टीम बनाने में हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।